कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान संगठनों का भाजपा नेताओं से टकराव लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ किसान संगठनों ने भाजपा को कोई बैठक या सम्मेलन न करने के बारे में चेताया हुआ है, वहीं बीजेपी भी खुद की साख के विश्लेषण के लिए किसी न किसी बहाने सम्मेलन व बैठकें कर सूबे के लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रही है। गत दिवस भी भाजपा ने बराड़ा के एक निजी पैलेस में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों के पहुंचने का अनुमान था। सूचना मिलते ही किसान नेताओं ने वीडियो मैसेज के जरिए किसानों को भाजपा सम्मेलन के विरोध करने का आह्वान किया, जिसके चलते भारतीय किसान संघ के अंबाला प्रधान मनजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान इस सम्मेलन का विरोध करते हुए काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित होना शुरू हो गई। वहीं प्रशासन ने अंबाला व आसपास के दर्जनों थानों की पुलिस, आरपीएफ की टुकड़ी व वाटर कैनन की गाड़ियां भी मंगवाई। किसानों ने सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं से कार्यक्रम न करने का अनुरोध किया तो बीजेपी जिला महामंत्री कृष्ण राणा व किसानों में कहासुनी हो गई, जिसके चलते सम्मेलन स्थल के बाहर खड़े किसान उग्र हो गए। किसानों ने पैलेस के सामने रोड जाम कर दिया। सम्मेलन रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठनों व पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। शुरुआत में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन रौद्र रूप धारण कर गया और पुलिस ने हंगामे को काबू करने के लिए वाटर कैनन व लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस दौरान धक्का मुक्की में कुछ सिख बुजुर्गों की पगड़ी भी उतर गई, जिसने आग में घी डालने का काम किया। किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बराड़ा एसडीएम गिरीश कुमार द्वारा सम्मेलन स्थल पर पहुंचकर इस सम्मेलन के रद्द होने की आधिकारिक पुष्टि करने के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि किसान लगभग 5 बजे तक धरने पर बैठे रहे और आखिर में मुलाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव हार चुके पूर्व विधायक राजबीर सिंह बराड़ा का पुतला फूंकने के बाद धरना समाप्त किया गया। आज यहां पे हमें पता लगा, कल तो इन्होंने पहले एमएमए प्रोग्राम रखा था और आज कैंसिल करके यहाँ पर रख दिया, तो हम उनका विरोध करने के लिए आपके भी यहाँ पहुँचे हैं और विरोध कर रहे हैं। अभी प्रशासन कह रहा है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम 4 बजे तक यहाँ देख के जाएंगे। उनका प्रोग्राम 4 बजे तक है, 4 बजे तक नहीं जाएंगे। प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत, पानी, वाटर कैनर चला के धक्काशाही करके बंदों को उठा के देख लिया, पर किसान का से मसले, किसान मर सकता है, झुक नहीं सकता। गोली खाएंगे, डंडा खाएंगे, छाती पे खाएंगे, पीछे नहीं हटने वाले। इनको बीजेपी वालों को और आरएसएस के दलों को बता के जाएंगे किसान क्या होता है। आज तो ये पुलिस को लेके आ जाते हैं यहाँ बीच में हमारे, कल इलेक्शन आएगा, इन्होंने गाँव में आना, फिर बताएंगे पुलिस और डंडा क्या होता है। फिर इनको डंडे तैयार पड़े, इनको नंगे कर करके गाँव में से बाहर निकालेंगे। सर, कितने किसानों को चोट लगी है? एक किसान है हमारा, उसका चोट लगी है, वो दाखिल है एमएम में। अभी उसका वहाँ से पता नहीं आया अभी कैसा है, हम क्या लाते बेहोश था वो उस टाइम, तो अभी पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, पता कर रहे हैं। आगे सर क्या रहेगा आप लोगों की मुहिम यहाँ के लिए, क्या रहेगी बराड़ा की मुहिम? कल्ले बराड़ा नहीं, पूरे हरियाणा की, सुन लो, पूरे हरियाणा में इनको चैलेंज है। कहीं भी आओ, हर गांव में तो आज भी चैलेंज है, किसी गांव में दम है, सीएम में दम है तो किसी गांव में आके दिखाए, किसी गांव में प्रोग्राम लेके दिखाए। ये शहरों में प्रोग्राम करते हैं और किसानों को उकसाते हैं भी कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाए। ऐसे ही कल इंद्री में हुआ था, इंद्री में भी ऐसे ही भुजाया, बैरिकेड लगा लिया, बैरिकेड तोड़ के अंदर पड़ गए थे। हम तो फिर भी पूरे अनिल को फिर अंदर से निकालने में 1 मिनट। बराड़ा का रोड तो यही जाम है, एक ये भी प्रशासन ने बंद कराया, हमने नहीं कराया, ये भी प्रशासन की देन है, बंद कराया उन्होंने वाटर कैनर, हमारे लोग सड़क पे बैठे और क्या करें। भाई चेतावनी है बीजेपी वालों, हमारे साथ जहां भी मर्जी प्रोग्राम करना करके दे, अगर किसी गांव में करना चाहा तो असली तो मजा फिर आ जाए, किसी गांव में प्रोग्राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कैसे करते